हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंचा बाय डॉक्टर वर्खा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, आपकी तैयारी को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए एक जो हमने अलग तरीके से इस बार कंसेप्ट लेकर आएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं एक तरह से, जैसे मैनेजमेंट अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो मैनेजमेंट से जुड़े हुए जितने भी, मतलब अभी हमारे पैरेलली मैनेजमेंट और अकाउंटिंग दो चीजें चल रही हैं, ठीक है ना? तो मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएंगी जो भी हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं पहले, उससे रिलेटेड। जैसे NTUGC नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो NTUGC नेट कोड नंबर 17, कोड नंबर 55 या कोड नंबर 8, किसी की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसकी जो यूनिट है उनकी आपको जो जो यूनिट्स अवेलेबल हैं उनके आपको प्लेलिस्ट जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप उसको ले सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर आप लोगों को कुछ PDF जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं वो आप वहां से ले सकते हैं, कुछ पुराने पेपर्स वहां पर दिए हैं वो आप वहां से ले सकते हैं, तो उसका आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है? तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो अपनी अपनी अटेंडेंस जो है वो जरूर लगाते जाइएगा एक लाइक पर क्लिक करके, और सेशन आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। और कोई भी डाउट अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बता सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो आज हम देखने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस। बेसिकली मैनेजमेंट क्या है इसको हम समझना स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, ओके? और ये जो टॉपिक है या मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, नॉट ओनली फॉर NTUGC नेट क्लास, आप अगर क्लास 12th में है, आप BBA कर रहे हैं, आप MBA कर रहे हैं, आप PSQ की तैयारी कर रहे हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड करता है, वो सभी एग्जाम्स में ये आपको हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बेसिकली मैनेजमेंट क्या होता है पहले तो उसी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है? तो मैनेजमेंट अपने आप में ही बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अब टॉपिक तो है, वो टॉपिक तो बाद में बना, बट पहले ये चीज आई कहां से वो समझिए। देखो, मैनेजमेंट की जो स्टार्टिंग है वो हमसे और आपसे ही हुई है। आप कॉलेज जाते हैं, फिर अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं, अगर कोई टेस्ट होता है तो उसकी प्रिपरेशन करते हैं, साथ में आपको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना भी, थोड़ा टाइम मोबाइल को भी देना है, साथ ही साथ पेरेंट्स की कोई बात है तो वो भी सुननी है। इतना सारा काम जो है वो कैसे कर पाओगे अगर मैनेज नहीं होंगी चीजें? तो आप क्या करते हैं, आप अपने टाइम को प्रॉपर मैनेज करते हैं, आप अपने आप को मैनेज करके चलते हैं, तो ये सारे काम जो है वो बहुत ही आसानी से आप कर जाते हैं। कि आपका एक ही दिन में असाइनमेंट्स भी हैं, टेस्ट भी हैं, क्लासेस भी हैं, सारा कुछ आपने आसानी से कर लिया। तो ये कैसे हुआ? मैनेजमेंट के थ्रू हुआ, ठीक है? आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऊपर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो मान लीजिए एक साथ दो दो पेपरों की आप तैयारी कर रहे हैं, दोनों को साथ में तैयार करना इट्स नॉट अ सिंपल टास्क, ठीक है ना? आसान टास्क नहीं है। तो उन सबको एक साथ कई सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको करनी है, तो ये कैसे हो पाएगा? मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है ना? तो चाहे इंडिविजुअल पर्सन हो, जब वो अपने काम को या अपनी लाइफ को सही तरीके से चलाने के लिए सारे कामों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलता है, तभी वो लाइफ में सक्सेस हो पाता है। और जब मैनेजमेंट सही हो पाएगा तभी मैनेजमेंट पढ़ने का मकसद भी है, ठीक है? लाइक अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पा रहे हो ना चीजें, तभी मैनेजमेंट पढ़ो, क्योंकि आगे चल के आपको क्या करना है ना, जिस बिजनेस में आप जाओगे वहां पर भी तो चीजें आपको मैनेज ही करनी है। तो मैनेज तभी कर पाओगे जब अपनी लाइफ को मैनेज कर पाओगे। इसलिए अपनी पढ़ाई, अपनी लाइफ को अगर आप मैनेज कर पा रहे हो तभी आप सारी चीजों को आगे कर पाएंगे, ठीक है? तो मैनेजमेंट भी क्या है? मैनेजमेंट भी सारी चीजें जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ी हुई है, चाहे वो रिसोर्स कोई भी हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो मटेरियल वाला रिसोर्स हो, इन सभी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना ही मैनेजमेंट है, ठीक है? प्रॉपर तरीके से मैनेज करना यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ईच एंड एवरी रिसोर्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि विल गेट द ऑर्गेनाइजेशन गोल, राइट? विल गेट द ऑर्गेनाइजेशन गोल, सो दैट इज कॉल्ड द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट वाली हो, सर्विस वाली हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, ईच एंड एवरीवेयर यू आर फाइंड द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट द इंडिविजुअल मेक देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड द ग्रुप ऑब्जेक्टिव। एट द एंड मैनेजमेंट के थ्रू विल गेट द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, क्लियर? तो ये मैनेजमेंट अगर देखें तो दो कंसेप्ट काम करते थे। पहले हम कहते थे गेटिंग थिंग्स डन बाय द अदर। पहले जो लीडरशिप चलती थी वो चलती थी कि भाई
ये काम करना है, फटाफट करके दे दो। ठीक है भाई, कर देते हैं। अब जो कंसेप्ट आ गया है वो आ गया है कि भाई भावनाओं को समझो, है ना। अब वाला कंसेप्ट आ गया कि थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट अगर लीडर का या मैनेजर का अपनी टीम के साथ में इन्वॉल्व हो जाएगा, वो खुद भी अगर इफेक्टिवली इंक्लूड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो एक मिरेकल हो जाएगा। वो ये कि काम अब और बेहतरीन तरीके से होगा, कम समय पर मैक्सिमम काम हो पाएगा। पहले लीडर सिर्फ गाइड कर रहा था और ये लोग काम कर रहे थे, इसमें हो सकता है थोड़ी लापरवाही हो जाए। अभी जो कंसेप्ट आया है इसमें लीडर खुद काम करता है साथ में मिलकर, जिससे कि ये जो टीम है वो ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो जाए, वो मोटिवेट हो जाए। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारी मोटिवेट हो जाए। तो इसलिए जो कंसेप्ट है इफेक्टिव और एफिशिएंट वाला, ये आज के टाइम पर बहुत ज्यादा इफेक्ट यूजफुल हुआ है। और किसी भी टास्क को ऑप्टिमाइज तरीके से कंप्लीट करने के लिए, यानी कि संपूर्ण तरीके से कंप्लीट करने के लिए, ये दोनों पॉइंट अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि मैम ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सुन लीजिए ध्यान से। इसके ऊपर अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, उसमें क्वेश्चन बना भी था। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का बना था कि एक स्टेटमेंट आपको दिया गया था और आपसे पूछा गया था कि बताइए ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया था, है ना। तो आपको ना एक बहुत ही शॉर्ट सा की टर्म याद रखना है, दैट इज, ध्यान से देखना, इफेक्टिव एफिशिएंट, दो चीजें हैं हमारे पास। तो इफेक्टिव का मतलब हो गया कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो इस तरीके से काम करें कि टाइमली पूरा हो जाए, है ना। तो इफेक्टिवनेस तो हर कोई दिखा सकता है, टाइम पर पूरा वो कर सकते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि इफेक्टिवनेस के चक्कर में हम, क्या हुआ, ज्यादा पैसा ही तो खर्च हुआ, ज्यादा पैसा खर्च करके उन्होंने अपना काम टाइम पर करके दे दिया, बट ये क्या समझदारी है? बिल्कुल समझदारी नहीं है। समझदारी तो तब होगी जब आप मिनिमम कॉस्ट पर अपने काम को कंप्लीट करके देंगे। तो एफिशिएंसी जो है ये रिलेट करता है कॉस्ट को, कि आप जीरो वेस्टेज करके मिनिमम कॉस्ट पर अपने टास्क को कंप्लीट करके देते हैं, तब ये बात जो है ये मैच करती है। तो टाइम और कॉस्ट का जो फंडा है ये मॉडर्न कंसेप्ट में आपका यूज किया जाता है। याद करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, इफेक्टिव में जो टी है इट डिनोटेड विद द टाइम, एंड ये जो सी है इट डिनोटेड विद द कॉस्ट। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो कि अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाता है और उसमें कंसेप्ट में आप जब पढ़ रहे हो स्टेटमेंट कि इट्स रिलेटेड टू द टाइम, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज हैं दे डू द वर्क टाइमली कंप्लीट करके देते हैं, तो इट वो किस में आएगा, क्या कंसेप्ट कहलाएगा, तो दैट इज कंसिडर्ड इफेक्टिव। और अगर वो कहते हैं कि जीरो वेस्टेज पर मिनिमम कॉस्ट पर बेटर काम करके दे रहे हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड द एफिशिएंसी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मुझे लगता है भूलोगे भी नहीं कभी, राइट। और अगर ये मैं सही कह रही हूँ ना, तो कमेंट बॉक्स में एक वाई जरूर टाइप कर देना कि यस मैम बिल्कुल ठीक बात है। चलिए अभी आते हैं कुछ डेफिनेशन, इसके अलावा भी कुछ डेफिनेशन है जो प्रीवियस वीडियोज में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये कुछ और डेफिनेशन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, उनको और देख लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक वीडियो ऐसा बना दूंगी जिसमें सारी डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, है ना, तो उसको भी आप लोग देख लेना। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप एफिशिएंटली अकम्प्लिश द सिलेक्टेड टास्क। अब हमको पता है कि हाँ भाई जो काम हमको दिया गया है वो सारे के सारे लोगों को एक साथ मिलकर करना है, जिससे कि हम अपने उद्देश्य को पालें। ठीक है, तो ये कहा था आपके हर्नोल्ड्स एंड कूट्स ने। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों को मैं, जो 11th 12th या बीबीए एमबीए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो डेफिनेशन आप कोई भी एक तैयार कर लो, दैट इज सफिशियंट। बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक स्पेशली है कि भाई एक अपने कॉपी बनाई है हमने, कोई पर्टिकुलर जैसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, तो यहाँ पर हमने जो ऑथर्स हैं मैनेजमेंट डेफिनेशन देने वाले उनके नाम लिख दिया, और यहाँ पर हम डेफिनेशन का कीवर्ड हम यहाँ पर नोट डाउन कर देंगे, जिससे क्या होगा, बेनिफिट इससे ये मिल जाएगा हमको कि हमको कीवर्ड के थ्रू पूरी डेफिनेशन नहीं याद करनी पड़ेगी, तभी हमें याद रहेगा, क्योंकि सम टाइम्स इट्स हैपन कि
आप लोगों को डेफिनेशन दी जाती है और पूछा जाता है कि बताइए ये किसने दी है। ये ना जो हमारा कोड 55 है एचआरएम वाला, उसमें तो बहुत ज्यादा ऐसा होता ही है। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे एक एग्जांपल के लिए, मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप, जैसे आप इसमें ना ये प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग इसको आप एज अ कीवर्ड मान सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये देखो, ये अपने आप में ही एक कीवर्ड हो गया, किसके थ्रू? रॉबर्ट ट्रूवेली। अब मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद थॉट्स अदर टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। ये देखो एक और आ गया, प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद थॉट्स, एक और कीवर्ड हमारे सामने आ गया। ये किसने दिया है? आपका क्रेटनर। तो इस तरह से जब भी आप डेफिनेशन पढ़ो, तो कोई भी एक प्यारी सी डेफिनेशन, जो बच्चे हमारे बीबी एमबीए कर रहे हैं तो वो तो एक प्यारी सी डेफिनेशन अपनी तैयार कर ले, दैट इज सफिशियंट कि आप अपने उसमें एग्जाम में लिख सकते हैं। बट जो बच्चे कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं ना, उन सारी डेफिनेशंस के कीवर्ड्स को अलग से नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर पूरी डेफिनेशन याद ना भी हो तो वो कीवर्ड्स तो हमको याद रहेंगे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको बार बार पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैनेजमेंट के लिए, जो अभी हमने इतना कुछ देखा उसमें हमको देखने में आई है, वो है आपका प्रोसेस, एक है आपका इफेक्टिवली और एक है आपका एफिशिएंटली। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए। प्रोसेस क्यों? क्योंकि प्रोसेस दैट मींस प्राइमरी फंक्शन ऑफ एक्टिविटी दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ना, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तभी तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करेगा। तो जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस के बेस पर ये सारे के सारे फंक्शंस जो है वो कंटिन्यू पर वर्क करते हैं और वर्क करके हमारे मैनेजमेंट को सक्सेसफुल रन कराने में मदद करते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया था वही चीज यहाँ पर भी है कि इफेक्टिव ऑफ डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मींस कि फिनिशिंग वर्क ऑन टाइम, है ना, जो गिवन टास्क है उसको टाइम पर कंप्लीट करना, दैट इज द इफेक्टिवनेस, है ना, कि डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अचीविंग गोल्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड एफिशिएंसी मींस फोकस ऑन सी, दैट मींस कि टास्क डूइंग टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, जैसे एक चीज और है, इट इज इजियर टू बी इफेक्टिव एंड इग्नोर द एफिशिएंसी। ये बहुत आसान होता है कि आप इफेक्टिवली सारे काम को कंप्लीट कर दें एफिशिएंसी को इग्नोर करके, बट ये आपको बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट पड़ेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि एफिशिएंसी को लेकर किया जाए काम, जिससे कि प्रॉफिट जो है वो क्या हो, मैक्सिमाइज हो जाए, बढ़ जाए, है ना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंपनी में माना कि हमको टारगेट मिला है, कि टारगेट है कि यार आपको ना इतने 100 जो बॉक्सेस हैं ये बनाकर देने हैं। आपने क्या किया? आपने एक एजेंसी को बुला लिया कि भाई एजेंसी आ जाओ, तुम करके दे दो। तुम्हारे जितने वर्कर्स थे उनके साथ मिलकर तुमने डील नहीं की, एजेंसी को बुला लिया। तो वो एजेंसी तो अपना पैसा लेगी ना, अपने वर्कर्स हो सकता है वो और लेकर आए तो वो और पैसा लेगी, उसका मटेरियल जो है वो उसको बड़ा चढ़ा के भी बोल सकता है तो वो उसका पैसा और लेगी, तो इससे करके आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। वहीं अगर आपने अपने ही वर्कर्स को कहा होता कि यार ऐसा ऐसा बात है, ऐसे ऐसे यूनिट्स आइए, अगर आप थोड़ा सा ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे तो वी विल शेयर द प्रॉफिट, या आपको उसके लिए कुछ बोनस मिलेगा, आप काम इस तरह से करिए, तो आप क्या करते, एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए काम करते, तो कॉस्ट कम लगती है और काम आपका टाइमली हो जाता। तो इस तरह से चीजों को देखा जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना, यानी कि हर जगह आपको दिखेगा। जैसे अभी हमने कहा कि जैसे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, एनजीओ हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, घर हो, हर जगह पर मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल। हर जगह मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा, आपकी खुद की पढ़ाई में भी मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? डेफिनेटली मिलेगा। मैनेज करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, नहीं करोगे तो कैसे बढ़ोगे, राइट? मैनेजमेंट इज गोल डायरेक्टेड। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर होता है तो हमारा जो गोल है उसकी तरफ अचीवमेंट बढ़ जाता है, तो इसलिए ये गोल डायरेक्टेड प्रोसेस होती है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अभी हमने देखा ही था
ऐसा नहीं है कि एक बार सारी चीजों को आपने मैनेज कर लिया उसके बाद आप भूल जाओ, ऐसा नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी कितनी बार होता है कि कोई एम्प्लॉय एंटर हुआ है, कोई छोड़कर चला गया, कोई नया टास्क आ चुका है, कहीं कोई मशीन ब्रेकडाउन हो गई है, कहीं कोई नई मशीन की रिक्वायरमेंट हो गई, ऐसे बहुत सारे टास्क कंटिन्यू बेसिस पर आते जाते हैं। तो उसी लिए उन हर चीज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना भी जरूरी होता है। जैसे घर है, घर की कोई एक अलमेरा आपने एक दिन साफ कर दी तो क्या आप उसको हाथ ही नहीं लगाओगे और वो साफ बनी रहेगी? पॉसिबल ही नहीं है। आपको कंटिन्यू बेसिस पर घर के हर एक कोने को सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि मैनेजमेंट आपका तभी प्रॉपर चल पाएगा घर का। उसी तरह से बिजनेस का भी है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, सभी को एक साथ जोड़कर रखती है, ये है ना, एकीकरण करके रखती है। इसी के थ्रू आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब एक साथ होकर काम करते हैं। मैनेजमेंट में जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब में एकता होती है, तभी आप काम कर पाते हो। कैसे भाई? एचआर डिपार्टमेंट बता रहा है कि कितने पर्सन्स रिक्वायर्ड हैं, उनकी पूर्ति कर रहा है। फाइनेंस वाला बताएगा कि कितना पैसा मैं आपको दे सकता हूँ। मार्केटिंग वाला बताएगा कि कितनी मार्केट में रिक्वायरमेंट है। आरएनडी बताएगा कि भाई कौन सा पैकेट में कैसी पैकेजिंग करके हमको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो हर डिपार्टमेंट में टारगेट क्या है, ये प्रोडक्ट और ये गोल, जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे। तो जब ये सब मिलकर काम करते हैं तभी हम अचीव कर पाते हैं। तो दिस इज द इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। इसी तरह से इट इज इंटेंजिबल, यस, मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते हो बट इसको आप फील कर सकते हो। किसी के घर जाते हो सब कुछ बड़ा ही सजा सजाया सा बहुत ही डेकोरेटिव वे में आपको दिखता है, क्या बात है, क्या चीजों को मैनेज करके रखा है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करे, वहां का इंटीरियर आपको बहुत पसंद आया, बहुत सारी चीजें बिल्कुल मैनेज रखी हुई है, जरा भी कुछ भी उसमें फॉल्सिंग नहीं है, व्हाट अ मैनेजमेंट। तो ये आपको दिखता नहीं है बट आपको फील होता है ना, तो वही चीज है। तो जैसे काम करने का तरीका, किसी का सारा काम आपको टाइमली पूरा मिल रहा है, पूरा टाइम मिल रहा है लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन उसे मैनेज करके आपको काम करके दिया है, दैट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इंटेंजिबल है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है, आपको कई जगहों पर मैनेजमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। जैसे मैनेजमेंट जो है ये आपको वर्क में भी देखना पड़ेगा, मैनेजमेंट पीपल में भी देखना पड़ेगा और मैनेजमेंट ऑपरेशंस में भी देखना पड़ेगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स किस जगह पर कहाँ रिक्वायर्ड है, किस जगह के लिए रिक्वायर्ड है वो भी जरूरी है, कौन सा वर्क किसको करना है, कौन सी प्रायोरिटी पर करना है वो भी जरूरी है, किस प्रोसेस के थ्रू आप काम कर रहे हो, किस टेक्निक के थ्रू काम कर रहे हो वो भी जरूरी है। तो इस तरह से आपका वर्क, पीपल एंड ऑपरेशन तीनों चीजें रिक्वायर्ड है, मल्टी डायमेंशनल होगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। क्यों सोशल प्रोसेस है? क्योंकि ये देखना भी जरूरी है कि इसके थ्रू कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो। मैनेजमेंट इज सिचुएशनल, सिचुएशनल या हम इसको कह सकते हैं इट इज अ डायनामिक प्रोसेस, है ना। जैसे सिचुएशनल या हम कह सकते हैं ये एक डायनामिक प्रोसेस है। डायनामिक प्रोसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये चेंज होती है। जैसे जब एग्जाम आने वाले होते हैं आपके पढ़ने की स्पीड और टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, और उससे चार महीने पहले आपकी जो स्पीड है और आपका जो टाइम है पढ़ाई को देने का बहुत ही डिफरेंट होता है। तो इट इज डायनामिक, आप अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हो, है ना, अपनी पढ़ाई का जो क्राइटेरिया है उसको आप चेंज कर देते हो। तो मैनेजमेंट भी एक कैसा होता है, डायनामिक होता है, ये कंटिन्यू चेंज होता रहता है जैसी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। अब आ जाइए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आप देखोगे तीन तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव कराने के लिए, उसको लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए मैनेजमेंट जरूरी है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए मैनेजमेंट जरूरी है, प्रॉपर प्रॉफिट के लिए मैनेजमेंट जरूरी है। जब मैनेजमेंट सही तरीके से काम करता है तो सारे लोगों का जो कोऑर्डिनेशन है वो सही होता है और ग्रुप ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हमको टारगेट को अचीव करने में मदद मिलती है। तो इसलिए सर्वाइव, ग्रोथ एंड प्रॉफिट के लिए वी रिक्वायर्ड द मैनेजमेंट। अगर सोशल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, रीजनेबल प्राइस पर चीजों को प्रोवाइड कराना, है ना, ये बहुत जरूरी है अपनी सोसाइटी के लिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराना, इट इज ऑल्सो गुड फॉर द सोसाइटी। इकोनॉमिक वेल्थ का ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो गुड। एजुकेशन, हेल्थ, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स,
ये भी जितने भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं उनके लिए भी बेनिफिट है, एज वेल एज सोसाइटी को एक पॉजिटिव नोट नोट जाता है। और इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करना जिससे कि किसी को हार्म ना हो, दीज ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर द सोशल ऑब्जेक्टिव। देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो लाइक इंडिविजुअली क्यों ऑर्गेनाइजेशंस में एंटर कर रहा है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहा है, लाइक उसको एडिक्वेट सैलरी मिल जाए, वर्किंग कंडीशन उसे अच्छे मिल रहे हैं, उसके जो साथ वाले हैं उनके साथ में उसका अच्छा बिहेवियर हो जाए, सबके साथ एक ट्यूनिंग बैठ जाए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसको मिले जिससे उसका खुद का ग्रूमिंग हो जाए, एंड सोशल रिकॉग्निशंस भी उसकी एक अच्छी बढ़ जाए। तो इस तरह से इंसान मैनेजमेंट क्यों करता है, क्योंकि उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो है उनको फुलफिल करना है। ओके अब आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जितना कुछ भी पढ़ा है ना, इन सबसे इंपॉर्टेंस आप अपने आप निकाल सकते हो कि क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, ठीक है। बट तब भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, बट ऑल्दो इन पॉइंट्स को भी आप याद कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, अदरवाइज आप अपने मन से भी कुछ पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा एफिशिएंसी, तो प्रॉपर एफिशिएंसी होना बहुत जरूरी होता है। हमने पढ़ा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए एफिशिएंसी प्रॉपर रहे उसके लिए, है ना। इसके अलावा एक वो हो गया आपका कॉस्ट, ये तो कॉस्ट से रिलेटेड हो ही गया है। इसके अलावा प्रोडक्शन, ये सॉरी प्रॉफिट इंक्रीमेंट के लिए या प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए आप कर सकते हो। इसके थ्रू एक तरह से आप कह सकते हो कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। आप ये कह सकते हैं कि आपके जो वेस्टेज है वो कैसी हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप बता सकते हो अपने मन से भी इतना कुछ पढ़ के। तो आप देखते हैं प्रॉपर प्लानिंग, मैनेजमेंट सही होगा तो प्लानिंग करने में मदद मिलेगा। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वही ऑप्टिमम यूटिलाइज आ गया। कोऑर्डिनेशन सही बैठेगा मैनेजमेंट सही है तो, और कोऑर्डिनेशन सही होगा तो डिसीजन मेकिंग भी सही होगा। कोऑर्डिनेशन दैट मीन्स सही समय पर सही इंफॉर्मेशन सही पर्सन के पास पहुंच रही है अगर, तो आपका काम जो है वो सही तरीके से चलेगा। मान लीजिए इस पर्सन तक कोई इंफॉर्मेशन पहुंचनी है और वो ज्यादा ही घूम फिर के जा रही है, तो पता चला कि वो काम 2 दिन में होना था वो आपका 4 दिन या 5 दिन में खींच रहा है, क्योंकि राइट पर्सन के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है। तो इसलिए सही कोऑर्डिनेशन भी रिक्वायर्ड है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग रिक्वायर्ड है, इफेक्टिव स्टाफिंग रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड जो है, तो वो सब कुछ यहाँ पर मिलता है प्रॉपर मैनेजमेंट से, ठीक है। वेस्ट, ये हमने कहा कि वेस्टेज और कॉस्ट जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी, है ना, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस आप हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, गोल्स आसानी से मिल जाएंगे, सोसाइटी के लिए वेलफेयर होता है, इन्वायरमेंट अडेप्टेबिलिटी होती है, क्योंकि हम यहाँ पर इको फ्रेंडली चीजों को लेकर बात कर रहे हैं। तो दे आर द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना कुछ पढ़ा है उसको अच्छे से एक बार रिवाइज जरूर करना, रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हैबिट स्मार्ट, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, और मैनेजमेंट की जितनी भी वीडियोस अभी जो मैं नए प्रोवाइड करा रही हूँ, इसके अलावा प्रीवियस वीडियोस भी ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पर, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। NTUGC नेट का फुल सिलेबस है, साथ ही साथ अगर आप लोग MBA BBA MCOM BCOM या फिर किसी PSU एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड भी टॉपिक वाइज आप लोगों को वीडियोस अवेलेबल मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके थैंक यू सो मच, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट, टेक केयर।